हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। जो नया आए हैं मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो पुराने हैं वो तो मेरे फ्रेंड्स हैं ही। और गाइस देखिए, मैं आज बिंदी और सिंदूर लगाना भूल गई हूँ, अभी लगा देती हूँ। और जब मैं कैमरा ऑन करी तो मुझे पता चला कि मैं कुछ भूल रही हूँ। तो गाइस अब मैं निकलूँगी पार्लर के लिए, और खाने में मैंने बना दिया है रोटी और चौराई की सब्जी, ग्रीन ग्रीन वाली चौराई की सब्जी, और आलू की थोड़ी सी सब्जी भी बनाई है मैंने टेस्ट थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो गाइस चलिए अब मैं टिफ़िन लेके निकलती हूँ पार्लर पे, वहाँ से मम्मी को पिकअप करूँगी और फिर जाऊंगी पार्लर पे। तो चलिए, आज तो प्ले स्कूल नहीं है गाइस, तो आपको मेरे बच्चे मिलेंगे नहीं देखने को, तो कोई बात नहीं। आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, और चलिए फिर आगे आगे जो होता है वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ओके, और गाइस अच्छा एक बात पूछनी है, ब्यूटी में आपको क्या क्या देखना है आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स करके, तो मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगी। मेरे पास 3 रिक्वेस्ट पड़ी है, एक मेहंदी कोन कैसे बनाते वो दिखाने की, एक हेयर कटिंग के लिए है, और क्लीन अप के लिए भी रिक्वेस्ट एक आई है। तो इस तरह से मेरे पास 3 रिक्वेस्ट ऑलरेडी है, आप बताइए आपको क्या देखना है, मैं वो बताने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं पार्लर पर जाके। तो गाइस ये रात को मैंने उड़द दाल और चावल भिगा दिए थे, तो मैंने अभी पीस लिया है, अब इसको रख दूंगी। और आज रात को मैं उत्तप्पा बनाऊंगी या डोसा बनाऊंगी, दो में से एक चीज़ बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये तैयार करके रख दिया है, डोसा का आटा। और ये अब ये हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा शाम तक, और फिर उसके डोसे बहुत अच्छे से निकलेंगे। और गाइस चलिए पहले मैं चाय बना देती हूँ, फिर खाने की तैयारी करती हूँ। चाय मैंने चढ़ा दी है गैस पे, दूध गर्म हो रहा है, और ये मैंने चौली भिगाई थी रात को, तो अब इसकी मैं सब्जी बनाऊँगी, धो के इसे साफ कर लूँगी और फिर इसकी सब्जी और रोटी बनाऊँगी। सब्जियाँ कुछ ज़्यादा आने रही है गाइस, आजकल गर्मी है उसकी वजह से कुछ सब्जियाँ इतनी कुछ मिल नहीं रही है, और बहुत ज़्यादा महंगी भी हो गई है। मैं रोज रोज क्या लूँ सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ भिगा ही डालते हैं, तो मैं ऐसे 2-3 दिन में एक बार कुछ ऐसा भिगाया हुआ बना ही लेती हूँ, और मुझे खाने में भी अच्छा लगता है। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है, सब कडधान्य बोलते हैं स्प्राउटेड, वो सब आपको कैसा लगता है? मुझे 2-3 दिन के बाद एक बार ऐसी सब्जी खाने को अच्छी लगती है। और देखिए आवाज़ आ रहा है ना, टंकी भर गई है ऊपर की, तो मुझे मोटर बंद करने को जाना पड़ेगा। ये कुछ चावल पड़े थे, इसको मैंने बघार दिए हैं, बघारे हुए चावल मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस मैंने सब्जी बघार दी, अब कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ, सीटी बज जाएगी तो मेरी सब्जी चूर जाएगी। गाइस देखिए मेरे एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने को आए हैं पार्लर में। तो काय तरी बोला माझ्या व्यूअर्स ला? मैम बहुत अच्छे हैं, अभी मेरा ट्रीटमेंट करने वाले हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करने के बाद भी, बहुत अच्छे फ्री माइंडेड है मैम, थैंक यू। ओके गाइस, तो ये आए थे मुझसे मिलने, और मुझे ना आज लेट हो गया आने में, तो वो रुके थे कब से मेरे लिए। फ्रूट वाले भैया आए हैं, तो मैंने थोड़े से फ्रूट ले लिए हैं, पपैया लिया है, खरबूजा लिया और संतरा लिया है, और 100 रुपीज़ का लिया है मैंने। उठा दो भैया जी, मोबाइल फोन करके उठाइए। उठेगा उठेगा, क्यों नहीं उठेगा, ओ बापरे। बहुत वजन है भैया जी, खूब पका हुआ नहीं लिया है गाइस मैंने, क्योंकि मुझे आज नहीं, मेरे घर पे थोड़े फ्रूट्स पड़े हुए हैं तो आज नहीं खाना है, 2-3 दिन के बाद, मतलब 2 दिन के बाद खाना है, इसलिए मैंने थोड़े से कच्चा वाला लिया है, ताकि वो ख़राब ना होए और पड़े पड़े पक जाए।
तो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए मैं लाइव गई थी और थोड़ी देर का तकरीबन 1 घंटे तक मैं लाइव थी और खाना वाना हो गया है। अभी बजे हैं 3:30, 2:30 बजे से मैं जो लाइव गई थी तो अभी 3:30 बज गए हैं। और खाते खाते मैं 2-3 बार उठी हूँ हाथ धो के, फिर से मैंने 2-3 आईब्रोज की और फिर से मैंने खाना खाया है। तो इस तरह से आज खाते खाते 2-3 बार उठना पड़ा और बस बहुत अच्छा लगा। आज मेरे एक सब्सक्राइबर आए थे मुझसे मिलने, जिनका मैंने क्लिपिंग्स आपको बता ही दिया है। तो कितना अच्छा लगता है ना गाइस के लोग हमें जानने लगे हैं अब, तो बहुत अच्छा लगता है सोच के। और लाइव गई थी तो भी लाइव में भी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आजकल, तो बहुत अच्छा लगता है। और गाइस और क्या चल रहा है आप बताइए। तो पार्लर पे तो मुझे और दिखाने को कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि मैं पार्लर पे कुछ ज़्यादा आपको शूट करके दिखा नहीं पाती हूँ। पार्लर पे क्लाइंट रहते हैं तो क्लाइंट का तो मैं शूट नहीं करती, और आज तो स्टूडेंट भी नहीं आए हैं तो मैं आपको ना हेयर स्टाइल दिखा पा रही हूँ, ना मेकअप दिखा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। बस मेरी लाइफ कैसे चल रही है वो ही मैं दिखा रही हूँ आपको। तो सुबह का सब्जी आपने देख लिया मैंने कैसे बनाया था, और बस आगे आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर के बाद अब मम्मी सोई है, थोड़ी देर के बाद मम्मी उठेगी तो मैं चाय बनाऊँगी। और पता नहीं ये टाइम होता है तो मुझे ऐसे लगता है मैं चाय पीऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो जाती है और फिर ऐसा लगता है बस चाय पियेंगे तो ताजगी आ जाएगी। तो गाइस अभी तो 3:30 बजे हैं और मेरा चाय का टाइम है 6 बजे का। तो आज जल्दी चाय बना लूँगी, 5 बजे ही चाय बना लूँगी। और बस थोड़ा सा टेंशन रिलीफ हुआ है मेरा। और पता नहीं मैं गाइस एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी कि मैं जब भी ना अतिथि को खजूर खाने को देती हूँ ना तो उसका तबीयत बिगड़ता है। मतलब एक खादा ही खाती है पर फिर भी उसको ना पूरा बॉडी लूज हो जाता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी कोई जानता होगा तो मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तो मैं 2 दिन से डर गई और जय खजूर लेके आए थे, पूरा अच्छे वाले खजूर लेके आए जिसमें सीड्स ना हो वैसे लेके आए। और फिर 2-3 दिन अतिथि ने खाया एक एक खजूर रोज़, तो परसों के दिन बोलने लगी मम्मी मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। तो फिर मैं डर गई क्योंकि वो रशिया में थी ना, तभी भी खजूर खाती थी ना रशिया में, बहुत ठंडी पड़ती थी तो मैं उसको बोलती थी कि थोड़ा खजूर खाया कर, तो खाती थी ना तो तब वहाँ भी उसकी ऐसी ही तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो मुझे पता नहीं पड़ा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, और फिर मैं थोड़ा डर भी गई तो मैंने उसको 2 दिन से मना किया कि तू मत खाना। और जिसमें तो वो खाती है कितना, एक पीस खाती है, सिर्फ एक पीस, वो भी अच्छा रहता है बॉडी के लिए, हीट रहती है, इसके लिए मैं उसको बोलती हूँ कि खजूर खाया कर, क्योंकि बच्चा पढ़ता रहता है तो उसको थोड़ा सा विटामिन्स और वो सब चाहिए रहता है ना, तो इसलिए मैंने उसको बोला था कि रोज की एक खाना। तो पर फिर भी मुझे ये सब डर लगने लगा तो मैं आज भी उसको मना करके आई हूँ, आज मत खाना। उसके बाद 2-3 दिन के बाद देखते हैं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन खा लेना। ओके गाइस, तो चलिए अब मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बातें करूँगी। और आप लोग क्या कर रहे हो और मेरे लाइव में क्यों नहीं ज्वाइंट हुए थे आप लोग बताइए मुझे, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम मेरे लाइव में मेरे साथ ज़रूर से ज्वाइंट होइएगा गाइस, मैं आप लोगों से बात करके बहुत खुश हो जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और तब अपनी गपशप हम चालू रखेंगे। ओके गाइस, मेरे वीडियो हो और उसमें हेयर स्टाइल वगैरह कुछ ना हो या ब्यूटी का कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज तो है संडे, आज क्लास वाले नहीं आने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास क्लिपिंग्स पड़ी हुई है तो वो मैं इसके साथ आप ऐड कर देती हूँ ताकि आप देख के थोड़ा बहुत तो कुछ सीख ही लोगे ब्यूटी का। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हेयर स्टाइल, तो मेरी स्टूडेंट ने हेयर स्टाइल कैसी कर रही है और किस तरह से प्रैक्टिस कर रही है। तो इसके साथ मैं 2 हेयर स्टाइल का क्लिपिंग्स ऐड कर रही हूँ तो आप देख के भी सीख लीजिए। ओके, और देख के फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा वो हेयर स्टाइल।
काय बघणार आहे, कुठली हेअरस्टाईल करणार आहे? काय बन आहे? ओके, गाइस एक हेअरस्टाईल का ट्राय कर रही है तृप्ती, तो वो मैं आपको शूट करके बता रही हूँ। वहिनी तुम्ही तिला हेल्प करायला या ना त्या साईडने। केस उतलेत का? ओले आज नाही उतले, ओले फुलले का मागे टैंकर का पानी आया था? नहीं, ये रोड पे जो टैंकर चलता है ना। अच्छा, वो पानी वो मैं आ रही थी ना तो उसके आगे टैंकर था। अच्छा, Thank you.
तो गाइस मैंने इसको 10 मिनट्स चैलेंज दिया था कि 10 मिनट में एक हेयर स्टाइल मुझे करके दिखाना। तो अभी टोटल 6.5 मिनट हो गए, मतलब 7 मिनट होने को आए, 7 मिनट हो गए हैं। और 3 मिनट में देखिए ये क्या करती है, फटाफट हाथ चलाओ। वेट साल लाए तृप्ति फटाफट। कशी होईल 2.5 मिनिटात नाही होणार। चलिए हेल्प कर दे। जातो तिकडे जा। हे पहिला ह्याला फोल्ड करायचं असेल ना तुला, काय करायचं? नाही दोन्ही एकत्र करून मग नंतर होईल। नाही ना त्याला एकत्र करायचं, एका जॉईंट करा आणि त्याच्या पिना मारायचं। ह्याला खालती घे आणि ह्याला वरती घे म्हणजे बरोबर होईल। बॅग
सच्ची बात रिपोर्टिंग के लिए केस फोल्ड कर निकल आते ये पिन लावत जा गाइस ये बनाया है मैंने फ्रेंच रोल विथ ये लुजिंकर्स, उनके बाल ऑयली है तो लेकिन फिर भी अच्छा फिनिशिंग आया है। मैंने थोड़ा सा यहाँ से ना फिरा, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 लुजिकल्स बिठाए हैं। तो सिंगल फ्रेंच रोल लेना है हाफ पार्टीशन करके और ये साइड इस तरह से लुजिकल्स करना है। गाइस आपको किसी को सीखना है तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं ज़रूर इसका डेमो बताऊंगी आपको। ओके तो गाइस देखिए आपने स्टाइल आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर से कीजिएगा और इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये वाला व्लॉग मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको जो भी नए आए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस और लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। और मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए। और YouTube का तो बहुत बड़ा वाला शुक्रिया मुझ पे, जो उसने मुझे जीने के लिए एक मकसद दिया और जीने की एक उम्मीद दी। और मैं वीडियो बना के खुश हो जाती हूँ और आप सबको सिखा के, और मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर मुझे मिलते हैं और मुझे कमेंट्स करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू गाइस।